हेलो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप किसी स्कूल का या फिर किसी संस्था का आप रिजल्ट शीट बना रहे हैं, तब आपको ये ज़रूरी होता है कि आप किसी बच्चे को पास फेल अगर कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि किसी सब्जेक्ट में वो सप्ली तो नहीं है। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट का अगर मान लीजिए रिजल्ट बना रहे हैं तो आप पास फेल इफ का फॉर्मूले से आप शो कर सकते हैं, ग्रेडिंग भी दे सकते हैं आप नेस्टेड इफ का यूज करके, लेकिन वो कितने सब्जेक्ट में फेल है मीन्स सप्ली हो जाता है, अगर एक दो सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये इतने ही सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलर में फेल है। तो इसके लिए हम उन सब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए कितने में वो फेल है हम यूज करते हैं एक फार्मूले का। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो फार्मूला है। सबसे पहले आप जानते हैं कोई भी अपना एक्सेल में फार्मूला होता है सबसे पहले इक्वल्स टू का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो होगा आपका काउंट इफ का। ये देखिए काउंट इफ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, अंडर ब्रैकेट आप वो सेल रेंज दीजिए जिसमें उसके मार्क्स हैं, मींस सेल रेंज उसका जहाँ जहाँ से उसके सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। ये देखिए मैंने उसका सेल रेंज दे दिया हिंदी टू मैथ्स। अब आपको कॉमा लगाना है, अब आपको लेस देन साइन यूज करना है और वो आप मार्क्स जितना भी आपका हो मिनिमम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया आप वो दीजिए। मान लीजिए 33 है, एमपी बोर्ड की मार्कशीट बन रही है। अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये देखिए आपका फार्मूला रहा, अब ये काउंट कर देगा आपके कितने सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं। आप यहाँ पे इक्वल्स टू भी कर सकते थे, 33 में आप लेस देन और इक्वल्स टू भी कर सकते थे। चलिए हम नहीं करते हैं, ऐसे ही देखते हैं। ये देखिए अपना एक सब्जेक्ट में ये फेल है मीन सप्ली है, किस सब्जेक्ट में हिंदी में, ये देखिए 32 है और कैसे भी ज़्यादा है। हम इसे पूरा यहाँ तक हम देख लें, ये देखिए ये एक सब्जेक्ट में सप्ली है दो, और ये भी एक में है दो में है दो में है, ये जीरो ये सभी में पास है, ये देखिए 36, 62 सभी में पास है, दीपक सर सभी में पास हैं। और ये देखिए जैसा भी है आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट्स में उसका सप्ली है, यहाँ पे सब शो हो रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी अगर शीट बना रहे होते हैं तो हम ये शो कर सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट फेल है या फिर वो क्राइटेरिया नहीं पार कर पाया है। न सिर्फ इतना ही बल्कि हम ये पास भी देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट्स में पास है। उसके लिए करना क्या होगा, हमें यहाँ पे लेस देन की जगह पे हम ग्रेटर देन लगा देंगे तो जितने सब्जेक्ट्स में हम पास हैं वो दिखाएगा। ये देखिए हम चार में पास हैं और जितना भी है ये सारा चीज़ ये देखिए ऐसा दिखेगा। तो थैंक्स लॉट देखने के लिए।